उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बीते कुछ दिनों से सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी सुर्खियां बटोर रही है। इस बीच एक महिला भी काफी तेजी से वायरल हो गई। ये महिला है सीमा और सचिन की पड़ोसन। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाली सचिन और सीमा की लव स्टोरी इस वक्त हर किसी की जुबान पर है, लेकिन इन सभी के बीच सीमा के पड़ोस में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच उनकी एक पड़ोसन वायरल हो गई, नाम है मिथिलेशा भाटी। आपको बता दें कि मिथिलेशा भाटी ने इंटरव्यू के दौरान सचिन मीणा को लप्पू और झिंगुर सा बोला था, लेकिन अब इन सभी के बीच लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का बोलने वाली मिथिलेश भाटी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सीमा और सचिन पर दिए गए अपने इंटरव्यू से सोशल मीडिया पर छाई हुई मिथिलेश भाटी इस वक्त हर किसी के फोन पर नजर आ रही हैं, लेकिन अब उनकी कानूनी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि मीम्स और रील्स पर इस वक्त चर्चा का विषय बन चुकी मिथिलेश भाटी को सीमा के वकील एपी सिंह ने कानूनी नोटिस भेज दिया है। सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके लिए उन्हें देश के हर पति से प्रतिक्रिया मिलेगी। एपी सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सभी पतियों का यह अपमान है। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में स्किन के रंग और शारीरिक खामियों के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। और अब खबरों की माने तो सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने टिप्पणियों को लेकर मिथिलेश भाटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है और इसको लेकर मिथिलेश भाटी को कानूनी नोटिस भेज दिया गया है। वहीं मामले को भरता देख मिथिलेश भाटी ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके मुंह से जो कुछ निकला वो गुस्से में निकला था, उनका इरादा किसी को अपमान करने का नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी को अपमान करने का नहीं था, मुझे गुस्सा आया, मेरे मुंह से शब्द निकले और बाहर आ गए। हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसी बोलचाल की भाषा है, लोग मुझे भी लप्पी कहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं लप्पी बन जाऊंगी। मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। मिथिलेश ने कहा कि मैंने सचिन को किसी तरह से कोई भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नहीं पुकारा है, हमारी रोजमर्रा की बोली का ये एक हिस्सा है और इसी के तहत मैंने उन्हें बोला। जिसकी टांगे पतली सी होती है उसे लप्पू सा लड़का कहा जाता है, और ऐसे में मैंने सचिन को उसी भाषा का प्रयोग करते हुए बोला था। मैंने किसी भी अपमान की भावना से सचिन को नहीं बोला था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सचिन के छोटे भाई ने तो सीमा को कतई जहर बोलकर पुकारा था, तो ऐसे में क्या अब उस पर भी मुकदमा होगा। बता दें कि एक न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत के दौरान सचिन और सीमा की पड़ोसन मिथिलेश भाटी ने कहा था कि क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, बोलना तो वापे आवे ना, बोलता वो है नहीं, झुंगुर सा लड़का है, सीमा उससे प्यार करेगी, पांचवीं पास वो खुद को बता रही है, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, सारे बॉर्डर पार करके वह भारत आ गई है। बस इसी के बाद मिथिलेश भाटी वायरल हो गई और अब सीमा के वकील एपी सिंह ने उन्हें कानूनी नोटिस भेज दिया है। बताते चलें कि निर्भया कांड के दोषियों के वकील रहे एपी सिंह सीमा का केस लड़ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।